जो इतने एंजॉय कर रहे थे उस दिन भाई, ये महाभारत घटिया, ये विराट कोहली की मस्ती कुछ नहीं भाई। 17 साल का घमंड चकना चूर करके रख दिया उन्होंने। 17 साल का इंतजार, 17 नहीं 27 हो जाएगा। और टीम ऐसा ही करती है, 15 साल पहले भी सपोर्ट करके देख चुका हूँ, इस सीजन फिर से एक बार देख लिया। लेकिन दूसरी टीम का भी डेस्परेशन देखिए ना, वो 17 साल से एक सपना चेस कर रही है। लेकिन यार प्लेऑफ्स में विराट पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन विराट कोहली का प्लेऑफ का रिकॉर्ड बहुत एवरेज है, वो जो विराट कद को सूट नहीं करता। मतलब विराट कोहली ने अब तक 15 मैचेस खेले हैं प्लेऑफ में, जिसमें 341 रन केवल बनाए का है, और इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैचेस में 15 मैच में सिर्फ 2 बार विराट कोहली 50 लगा पाए, बाकी सब बार वो फ्लॉप रहे। पेशावर जलमी के लिए रोमन पॉवेल खेलता है, और रोमन पॉवेल ने बाबर आजम के प्लेयर ने आरसीबी को बाहर कर दिया। आपके 700 रन किसी काम के नहीं, आज आप सेट होके आउट नहीं हो सकते थे, और वो भी। और अब आज का दिन है जब विराट कोहली पूरे आईपीएल में अच्छा खेलने के बाद प्लेऑफ में जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां फ्लॉप हो गए। और ये पहली बार नहीं है जब विराट कोहली प्लेऑफ में कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए। आईपीएल प्लेऑफ की हिस्ट्री ये बात बताती है कि इतना बड़ा प्लेयर मतलब नहीं आ रहा हम तो। और वो विराट कोहली जिनका इस आईपीएल में तकरीबन 700 प्लस रन है, और 65 के आसपास एवरेज है, 150 के आसपास स्ट्राइक रेट है, वो विराट कोहली का एवरेज आईपीएल के सारे प्लेऑफ में जिसमें उन्होंने 8000 रन बनाए हैं केवल 26 का है, स्ट्राइक रेट केवल 121 का है, और इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैचेस में 15 मैच में सिर्फ 2 बार विराट कोहली 50 लगा पाए, बाकी सब बार वो फ्लॉप रहे। पाकिस्तान लाइव के मुअज्जिज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। विराट कोहली आईपीएल के अहम तरीन मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस ना दे सके और उनकी टीम भी आईपीएल से बाहर हो गई, यूं भारतीय मीडिया को एक बार फिर विराट कोहली पर बरसने का मौका मिल गया और सबने मिलकर कोहली पर न सिर्फ तनकीद की बल्कि खरी खरी सुनाई। एक बार फिर अहम मैच में उम्मीदें तोड़ने पर भारतीय मीडिया विराट कोहली पर बरस पड़ा, और इस हवाले से विक्रांत गुप्ता का भी रद्द अमल सामने आया है। उनका इस हवाले से क्या कहना था, इस क्लिप में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें।